नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। आज भदार विद्या मंदिर महाविद्यालय आगरा के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का समापन ग्राम धोबई के प्राथमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुकेश कुमार यादव, भदार विद्या मंदिर पीजी कॉलेज बा आगरा व कुलाधिपति JS विश्वविद्यालय शिकोहाबाद फिरोजाबाद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर सुकेश कुमार यादव ने सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। समापन समारोह के कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने देश राष्ट्र प्रेम के समसामयिक मुद्दों को गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बेटा एक समान के महत्व को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुकेश कुमार यादव ने राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं को देश राष्ट्र और वर्तमान समसामयिक घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय एकता की भावना के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रवीण कटारे ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुकेश कुमार यादव के साथ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शम्स आलम, डॉक्टर महेंद्र कुमार, डॉक्टर निर्भया सिंह, नितेश शर्मा, डॉक्टर इंद्रपाल सिंह, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक तरन्नुम, सहायक अध्यापक मिथिलेश शर्मा, नूतन पांडे, खुशबू शर्मा और ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मीडिया कर्मियों सहित राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं में शिप्रा, अंकिता, ललिता, महिमा, सुधा, सपना, रोशनी, ज्योति, साधना, रजनी, रेणु, वर्षा, दिया, किरण, पूजा, रूमा, राजा, बेटी शिवानी, राधा, अंजलि, संगीता, शालिनी, शिल्पा, खुशबू, दिव्या, प्रियंका, मालती, रेखा, अंजना आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं और जो है इनके कार्य दिवसों के बारे में जो है कुछ जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम पराजय सर को जानते हैं। सर, आप जो है देश की युवाओं को तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हम छात्रों और छात्राओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपनी मेहनत से विकास के लिए करें, कड़ी मेहनत करें। प्रतिस्पर्धा का दौर है और उस प्रतिस्पर्धा के दौर में हम अच्छे से अच्छा स्थान देश में बनाएं, देश की सेवा करें, विभिन्न क्षेत्रों में करें। हमारा बड़ा देश है, संसाधन वाला देश है और विभिन्न प्रकार के संसाधनों से जुड़कर हमारे देश की सेवा करें। डॉक्टर शम सालम से जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने समापक छात्राओं को क्या संदेश दिया। मैं छात्र छात्राओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि जो कुछ 7 दिन के अंदर राष्ट्रीय सेवा योजना 7 दिवसीय शिविर में जो कुछ भी इन्होंने सीखा है वो जा करके अपने गांव में, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो गरीब हैं, उनको कम से कम यहाँ की बातों को जो मैं बताया हूँ वो जा करके उनसे बताएं और उनको जागरूक करें। इस बारे में उनसे सहायक रहे डॉक्टर निर्भय सिंह से जानने का प्रयास करेंगे। मैं इस राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के 7 दिन के शिविर में छात्र छात्राओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ से सीकर गए हैं राष्ट्रीय भावना, इनमें सामाजिक भावना, राष्ट्रीय एकता, ये सब चीजें अपने आप ही में जागृत हो जोड़िए, उसका एक भी गुण आत्मसात करने की कोशिश करें तो ये कार्यक्रम हमारा 7 दिवसीय शिविर सफल हो जाएगा। इसके साथ ही हम अन्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार निगम से जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर के समापन समारोह में जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें जो है इसे जो है देश के साथ जो है कार्य करना चाहिए, जिससे जो है राज्य में जो है देशभक्ति की भावना जो है लोगों में जो है जागृत हो, और हमें जो राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है उसको हमें अपने जो है सभी शिक्षा छात्राओं को अपने अंदर जो समाहित करके जो है देश के राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है नॉट मी बट यू, तो जो भी हमें करना है अपने लिए नहीं करना है, समाज के लिए करना है, देश के लिए करना है, राष्ट्र के लिए करना है। राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा जो सूत्र है उसको हमें अपने साथ भरित करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्र का जो है
जो है जितने भी जो है तत्व हैं जितने हमें नेशनल इंटीग्रेशन की भावना समाज कर सकती है, हमें जो है अपने सभी जो है सहयोगियों के साथ जो है समाज में जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह सभी जो है सीखना चाहिए कि जो नेशन इज द फर्स्ट, कास्ट कम्युनिटी सेकंड, राष्ट्र का जो है देश हमें अपने जो है दिलों में समाहित करके जो राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहिए। थैंक यू। बहुत कुछ सीखा है दुबई में, यहाँ दुबई हमारा हुआ था, यहाँ पर 80% लोग पढ़े लिखे हुए हैं और 20% लोग अभी नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने काफी जागरूकता की रैली भी निकाली और काफी मतदान के बारे में बताया कि मतदान देनी चाहिए और जागरूक किया कि अपने आप का सफाई रखें और पढ़ने के लिए बचाओ, पढ़ने के लिए जाना चाहिए, बच्चों को भेजना चाहिए। और आपने गाँव गाँव जाके लोगों को क्या संदेश दिया? जाके स्वच्छता अभियान के ऊपर संदेश दिया, बेटी के बचाव के लिए संदेश दिया, बच्चों को पढ़ाने के लिए संदेश दिया, आस पड़ोस सफाई के संदेश दिया, काफी सारे संदेश। क्या नाम है आपका? इस 7 दिवस में आपने क्या सीखा है? मेरा नाम आर्य दोनों, मैं बिलोंग करती हूँ मदरौली से। सर मैं बताना चाहती हूँ यहाँ 7 दिनों में मैंने क्या सीखा। मैंने यहाँ पे देखा कि लोग पढ़ने के प्रति जागरूक नहीं है, उन्हें बताया था कि पढ़ना चाहिए। सबसे ज्यादा मैंने कि सक्सेस क्यों, सक्सेस की चाबी है वो है शिक्षा। यहाँ पे शिक्षा के बारे में बताया, प्लस बीमारी क्यों होती है वो भी बताया। अगर आप स्वच्छता रखोगे तो बीमारियाँ नहीं होंगी। सबसे पहले यहाँ स्वच्छता अपनाइए और प्लस अपने बच्चों को सभी को पढ़वाइए, यानी कि एजुकेशन दिलवाइए। विदाउट एजुकेशन कोई नहीं होना चाहिए। कहते हैं अब एडमिशन तब होते हैं जब मम्मी पापा एजुकेटेड होते हैं। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगी, हम लोगों ने इधर गांव में सफाई अभियान के बारे में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में बहुत सारे बताया है। आपको भी हम बताना चाहेंगे, अनुरोध करते हैं कि आप भी अपने बच्चों को ज्यादातर पढ़ाएं और अपना गांव वगैरह साफ रखें। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।